नमस्कार, मैं श्री वीरल माणिक प्योर एनर्जी सर्कल के लिए वीआईपी मेंबर्स के लिए हीलिंग की श्रृंखला में इस श्रेणी में ये मेरा आखिरी ऑडियो। हीलिंग से मेरा क्या फायदा? हम यही सोचते हैं मेरा क्या फायदा, हम हीलिंग को एक विश मान के बैठे हैं। मेरी इच्छा पूर्ण हो तो मैं हील हूं, मेरी इच्छा पूर्ण नहीं है तो मैं हील नहीं हूं। लेकिन हकीकत में हीलिंग तो आपको आपकी इच्छा से भी अधिक देना चाहता है। तो हमारी टेम्पररी इच्छाओं को थोड़ा सा बाजू पे रख के ये देखते हैं कि हीलिंग से हमको क्या मिल सकता है, जो परमानेंट हो, जो लंबा चले, जो हमसे कोई छीन न ले, जो बार बार लेने आना पड़े। इस खजाने को पाने के लिए हमें ईश्वर ने दिया है हीलिंग आवश्यक है। आपके यूनिक व्यक्तित्व को आपके प्रेम और क्रिएटिविटी से एक्सप्रेस करने के लिए हीलिंग जरूरी है। आपका जो यूनिक फॉर्म है, वो जो इस पृथ्वी पर खेलने आया है, उसे खेलने दीजिए, उसके लिए हीलिंग जरूरी है। आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको हीलिंग जरूरी है। मैंने बताए हुए हर स्टेप्स अगर आप करेंगे तो आप अपने आप को फॉरगिव कर पाएंगे, अपने घाव को मिटा पाएंगे, आपके दुख से प्रकट होने वाले कार्य को आप कम कर पाएंगे, आपके घावों को भर पाएंगे, अपने आप को माफ कर पाएंगे। आप भूल गए हो कि अपने आप को कैसे प्यार करते हैं, वो कर पाएंगे। आप अपना हृदय ईश्वर के लिए खोल पाएंगे। जब जब आप असफल रहेंगे ये सब के लिए, तब आप अपने आप को माफ करने के लिए तैयार रहेंगे। हो सकता है कि आप असफल रहे हैं, लेकिन वहां पे आपको फिर से अपने आप को माफ करना है। आप हर उस समय आपको माफ कर पाएंगे जब आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दूसरों के प्रति जजमेंटल होते हैं, गुस्सा होते हैं, ब्लेम करते हैं। आप किसी को कुछ देते हैं तो पाने के लिए देते हैं, ऐसे ही नहीं दे पाते हैं। जब आप अपनी पर्सनल जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं, तब आप अपने आप को फॉरगिव कर पाएंगे। जब आपको ऐसा लगेगा कि आप विक्टिम हो, आपको दोषी माना जाता है, आप किसी चीज के लिए दोषी हो, तभी आपको फॉरगिव करने के लिए ये हीलिंग काम लगती है। आपके हर एक भाव को फॉरगिव करने के लिए हीलिंग आवश्यक है। आपके हर बिहेवियर को फॉरगिव करने के लिए हीलिंग आवश्यक है। यहां मैं ऐसे इल्लीगल बिहेवियर्स की बात नहीं करता हूं, या इल्लीगल बिहेवियर्स को बढ़ावा देने की बात नहीं करता हूं। खुद को प्रेम करना यह सहज है। जब आप भूल जाते हो तो आपको याद कराने के लिए हीलिंग काम आती है। आपकी वंडरनेस को आपको मिलाने के लिए आपको हीलिंग काम लगती है। दूसरों के वर्तन के प्रति, दूसरों के बर्ताव के प्रति आप क्षमा का भाव आसानी से रख पाए, इसलिए
आपको हीलिंग काम रख सकती है। दूसरों को आप तभी माफ कर पाते हो जब आप खुद को माफ कर देते हो। जब आप इस ऑडियोस में दी गई सूचनाओं की प्रैक्टिस करेंगे तो आप दूसरों को माफ कर पाएंगे, उनके प्रेम से भरे हुए बर्ताव नहीं होंगे, तभी उनके बर्ताव घाव से आए हुए हैं, तभी आप अपने माँ बाप को माफ कर पाएंगे, आप अपने आप को प्रेम कर पाएंगे, ईश्वर को प्रेम कर पाएंगे, जो किसी ने आपको अब्यूज किया है उसे भूल पाएंगे, उसे माफ कर पाएंगे। और आपको ये समझ आ जाएगा कि उन्होंने भी अपनी मजबूरी में ये किया है, वो अपने घाव को नहीं पहचान सके हैं इसलिए किया है। तो आप कहेंगे ये माफ़ी माफ़ी ही मुझे करनी है, लेकिन माफ़ी करने से ही आप अपने सही व्यक्तित्व को पहचान पाते हो। हकीकत में तो किसी को माफ़ नहीं करना यह आपको बहुत आनंद देता है, लेकिन यह आनंद जहर है, जहर बन जाता है, वो आपके शरीर को तबाह कर देता है, आपके विचारों को दूषित कर देता है, आपके भावों को कुंठित कर देता है, आपकी आत्मा को सिकुड़ देता है। तो दिन ब दिन आप ज्यादा जिम्मेदारी से अपने आप की सही पहचान प्राप्त कर सको और आनंद से जी सको और दूसरों के लिए आनंद बांट सको, आपके दिल में करुणा हो, मुंह पे स्माइल हो, आपकी करुणा से दूसरों के हृदय को आपको छूना है, आपको प्रेम की अनुभूति और अनुभव करना है, तो ये आपके लिए सही रहा है। आपकी प्रार्थनाओं का अगर आपको सही उत्तर चाहिए, त्वरित उत्तर चाहिए, तो यही एक सही रास्ता है। आप ईश्वर का अंश हो, समुद्र में से पानी निकाल दो तो वो भी समुद्र का ही पानी है, समुद्र है, फिर उसमें मिला दो तो वो भी समुद्र बन जाता है। आप इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो और ये गुत्थी कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो और क्या करना है, ये सुलझ जाएगी और आप एक ईश्वर का माध्यम बनेंगे, करुणा का सागर बनेंगे, प्रेम की अनुभूति होगी, ईश्वर का आविष्कार होगा। यही मेरी प्रार्थना है कि आप ईश्वर हो, उसकी अनुभूति की राह पे आप चल के आप ईश्वर को प्राप्त कर ले। धन्यवाद।